जीवन में बड़े बड़े अपराधियों नक्सलवादियों को पकड़वाने की घोषणा तो सुनी होगी, लेकिन आज हम जो बात बताने जा रहे हैं वो शायद ही आपको कहीं सुनने को मिले। क्या आपने कभी सुना है कि अगर किसी इंसान ने किसी भ्रष्टाचारी राशन डीलर को पकड़वाया है तो उसे इनाम दिया गया है? शायद ही आपने ऐसी बात किसी से सुनी होगी। अगर नहीं सुना है तो आज हम आपको ऐसी ही एक बात बताने जा रहे हैं, जहां अगर कोई व्यक्ति किसी भ्रष्टाचारी राशन डीलर को पकड़वाता है तो उसे इसके लिए इनाम दिया जाएगा। बता दें कि यह मामला बिहार के वैशाली जिला से जुड़ा हुआ है, जहां मुखिया ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ये कवायद की है। प्रखंड क्षेत्र के चक अलहदार पंचायत के मुखिया के द्वारा यह निश्चय किया गया है कि वह भ्रष्टाचारी डीलरों को सबक सिखा कर रहेगा। इस कड़ी में मुखिया ने इनाम के रूप में 51,000 रुपए देने का ऐलान किया है। मुखिया के द्वारा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उठाए गए इस कदम से उस क्षेत्र में मौजूद वैसे परिवार जिनकी गिनती गरीब परिवारों में की जाती है, उन्हें काफी मदद मिलेगी। अब कोई भी राशन डीलर घोटाला करके ना तो राशन को बाहर बेच पाएगा और ना ही राशन की कीमत लोगों के लिए बढ़ा पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जब से इस बात की घोषणा मुखिया के द्वारा की गई है, तब से वहां के पंचायत के जनवितरण प्रणाली दुकानदारों में हड़कंप मच गई है। मुखिया ने इस ऐलान की घोषणा बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार राशन डीलर को पकड़वाने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक रूप में 51,000 रुपए कहे अनुसार इनाम के रूप में दिए जाएंगे। बताते चले कि मुखिया के द्वारा इस ऐलान की घोषणा इसलिए की गई है क्योंकि वह पूरी तरह से उन भ्रष्टाचार राशन डीलरों से परेशान हो चुके थे, जो बार बार पंचायत के लोगों को कम राशन देते थे और साथ ही घपला घोटाला भी करते थे। मुखिया का कहना है कि पंचायत की सभी लोग डीलरों की मनमानी से परेशान हो गए थे और यही वजह है कि एक बार उन्हें पुलिस की मौजूदगी में सभी पंचायत के लोगों को अनाज का वितरण करवाना पड़ा था। वहीं पंचायत की वैसी महिलाएं जो कार्डधारी हैं, उनका कहना है कि राशन डीलरों के द्वारा उन्हें हमेशा कम सामान दिया जाता है। इसके अलावा हम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। वहीं मुखिया के द्वारा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उठाए गए इस कदम पर गांव वाले भी सराहना कर रहे हैं। अभी उन सभी गांव वालों को लगता है कि मुखिया ने जो इस पहल की शुरुआत की है उसका सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलेगा और उसके बाद डीलर अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर मुखिया के कार्यकाल की बात करें तो मुखिया दूधनाथ राय लगातार दूसरी बार इस गांव के मुखिया चुने गए हैं। इनकी गिनती पूरे जिले में एक साफ सुथरी छवि और ईमानदारी के साथ साथ कड़क मुखिया में भी की जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।